तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले किस तरह से आप अपने YouTube चैनल पर प्रॉपरली वीडियो को अपलोड कर सकते हो 2021 में। तो वीडियो अपलोड करने का हमारा प्रोसीजर बिल्कुल सेम होगा, पर वीडियो अपलोड करने के पहले ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि आपको वीडियो अपलोड करने के पहले ही कर लेनी चाहिए, जिससे YouTube का जो AI सिस्टम है जब हमारा वीडियो प्रोसेसिंग में जाए तो हमारी वीडियो को प्रॉपर एनालाइज करे और उसे अच्छी रैंकिंग दे। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सब कुछ डिटेल में समझाया है, तो आप लोग वीडियो एंड तक देखते रहना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो अभी मैं जो भी आपको वीडियो अपलोड करने की प्रोसेस बता रहा हूँ, ये मैं अपने PC से कर रहा हूँ, पर सेम प्रोसेस आप अपने मोबाइल से भी फॉलो कर सकते हो। मैं वीडियो को PC से अपलोड इसलिए करके बता रहा हूँ ताकि आपको वीडियो क्लियर दिखाई दे। अब जैसे मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप लोगों को यूट्यूब ऐप से वीडियो अपलोड नहीं करनी चाहिए, बल्कि यूट्यूब स्टूडियो से अपलोड करनी चाहिए। तो पहले आप लोगों को गूगल क्रोम में यूट्यूब स्टूडियो ओपन कर लेना है। ऊपर आप लोगों को ऑप्शन मिलता है प्लस का, आपको इस प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, अपलोड वीडियो पर क्लिक करना है। अपलोड वीडियो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट फाइल का, जस्ट आपको सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है और जो भी वीडियो आप YouTube पर अपलोड करना चाहते हो उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो मेरे टाइटल में पहले से ही कीवर्ड आ रहा है जो कि न्यू YouTube चैनल पर व्यूज़ कैसे बढ़ाए। सेम चीज़ मेरे फाइल नेम में भी आ रही है। तो जो मेरी वीडियो की फाइल थी मैंने उसे जो है रीनेम कर लिया था अपने मेन कीवर्ड से और उसी फाइल को मैंने जो है यूट्यूब पर अपलोड किया है, इस वजह से मेरे टाइटल में पहले से कीवर्ड आ रहा है। अब मैं सबसे पहले अपना टाइटल डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने नोटपैड ओपन कर लिया है जहाँ पर मैंने जो है टाइटल डिस्क्रिप्शन और टैग्स लिख रखे हैं। तो ये जो टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग्स मैंने लिखे हैं इसकी प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा कमाल की है, जिसके ऊपर मैं बहुत जल्द वीडियो लेकर आ जाऊँगा। अगर आप लोग इस वीडियो पर 100 लाइक का टारगेट कम्प्लीट कर देते हो तो मैं बहुत जल्द उस वीडियो को भी अपलोड कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं अपने टाइटल को कॉपी करता हूँ और इधर आकर पेस्ट कर देता हूँ। अब पेस्ट करने के बाद आप लोगों के साथ भी बहुत बार ऐसा होता होगा कि आपका जो टाइटल है वो 100 वर्ड से ज़्यादा हो जाता है, तो आप लोग उसमें से कुछ भी चीज़ों को रिमूव कर देते हो, पर आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। आपका जो टाइटल है उसमें जो अगर वो एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसमें जो कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड होते हैं जैसे कि हाउ टू, व्हाट, इफ, ये सारे जो वर्ड है इन सब वर्ड को आप लोग रिमूव कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया है हाउ टू को, तो मेरा एक और कीवर्ड बन जा रहा है जो कि गेट मोर व्यूज़ ऑन यूट्यूब। तो ये भी एक कीवर्ड है, हाउ टू गेट मोर व्यूज़ ऑन यूट्यूब, ये भी एक कीवर्ड है। तो मैंने जस्ट हाउ टू को रिमूव कर दिया तो मेरा जो टाइटल है वो 100 वर्ड के अंदर आ रहा है। अब ऐसे ही मैं नोटपैड से कॉपी करके अपने डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स ऐड कर देता हूँ, जैसे कि अगर मुझे कोई वीडियो की लिंक देनी है, अबाउट वीडियो, क्वेरी सॉल्व, ये सब लिखना इसलिए ज़रूरी है ताकि अगर हमारा वीडियो यूट्यूब के सर्च लिस्ट में हमें रैंक कराना है तो जो डिस्क्रिप्शन और टाइटल होता है उसके ऊपर भी बेस करता है हमारी वीडियो को सर्च लिस्ट में रैंक कराना। अगर आप लोगों को YouTube एल्गोरिदम को और डिटेल में समझना है तो मैंने अपने न्यू YouTube चैनल पर YouTube एल्गोरिदम के ऊपर वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने सर्च रिजल्ट के ऊपर भी बात की, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो, उस वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर अभी मैं कुछ हैशटैग ऐड कर देता हूँ, आप लोग भी अपने वीडियो में हैशटैग ज़रूर से ऐड करना। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 5 हैशटैग ऐड कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप लोगों को हैशटैग ऐड नहीं करना है। अब जो हमारी वीडियो अपलोड करने के टाइम जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हैशटैग वगैरह मैंने लिख लिया है, उसके बाद नीचे आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है थंबनेल का, आप लोग अपने वीडियो को लिए थंबनेल भी ऐड कर देना। अब थंबनेल को भी मैंने अपना जो मेन कीवर्ड था उससे रीनेम कर लिया है ताकि अगर गूगल पे कोई सर्च करे हाउ टू गेट मोर व्यूज़ ऑन यूट्यूब तो उसको मेरे वीडियो का भी थंबनेल दिखाई दे और वो गूगल से डायरेक्ट यूट्यूब एप्लीकेशन पे आए, जिससे मुझे और ज़्यादा ट्रैफिक मिले। अब यहाँ पर मैं नोटपैड में जाके जो अपने वीडियो के टैग्स थे इन टैग्स को भी कॉपी कर लेता हूँ और टैग्स वाले सेक्शन में जाके इन्हें फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स सब कुछ यहाँ पर बेसिक जो था उसे ऐड कर लिया है। यहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट भी ऐड कर दिए, उसके बाद आपको जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर आप लोगों का चैनल मोनिटाइज हुआ है तो यहाँ पर आपको मोनिटाइजेशन वाला सेक्शन भी मिल जाता है जहाँ पर आप लोग अपने वीडियो का मोनिटाइजेशन जो है ऑन या ऑफ कर सकते हो। मोनिटाइजेशन को ऑन करने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ ऐड सुटेबिलिटी पे। अब ये बहुत सारे लोगों को ऑप्शन नहीं मिला होगा, मुझे ये मेरे चैनल पर मिल चुका है। ऐड सुटेबिलिटी का मतलब ये है कि आप लोगों को यूट्यूब को बताना होता है कि आपके वीडियो में कोई कॉपीराइट कंटेंट तो नहीं है। इसी तरह से और भी बहुत सारी इसकी पॉलिसी है जिसके ऊपर कभी हम लोग आगे बात करेंगे। तो अभी मैंने जो ऐड सुटेबिलिटी वाला स्टेप था उसे भी कंप्लीट कर लिया है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है वीडियो एलिमेंट। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मेन प्रोसेस। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीडियो को पहले अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पर, उसे पब्लिक कर देते हैं, उसके बाद अपनी एंड स्क्रीन और आई कार्ड को ऐड करते हैं। आपको कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है। अब मैंने एक इम्पॉर्टेंट वीडियो इसके ऊपर बनाया है कि कैसे आप लोगों की वीडियो आप लोग सजेस्टेड वीडियो में या ब्राउज फीचर में लेके आ सकते हो।
एंड स्क्रीन और आई कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी वीडियो को सजेस्टेड या होम पेज पर लेके आने। अब इस वीडियो में मैं आपको वो डिटेल में नहीं बता सकता, इसलिए आप लोग इस वाली वीडियो को ज़रूर वॉच कर लेना, लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो जब आप लोगों का वीडियो प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जो है एंड स्क्रीन और आई कार्ड का ऑप्शन मिलता है, तब तक आपको अपने वीडियो को पब्लिक नहीं करना है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे मेरा वीडियो प्रोसेसिंग में जा रहा है, अब जब हमारा वीडियो प्रोसेसिंग में जाता है तो यूट्यूब की तो कोई एम्प्लॉय नहीं है, यूट्यूब पर एम्प्लॉय भी है पर वो और जो काम होते उसे हैंडल करते, बाकी का जो प्रोसेस होता है जैसे कि वीडियो को प्रोसेसिंग का और कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक का, ये सब सारा जो सिस्टम है ये यूट्यूब का AI सिस्टम हैंडल करता है। अब जब हमारा वीडियो प्रोसेसिंग में जाता है तभी यूट्यूब हमारी वीडियो पे सब कुछ चेक करता है, एक तरह से कहूँ तो यूट्यूब हमारी वीडियो को फुल वॉच करता है, उसका जो AI सिस्टम है हमारी वीडियो को फुल एनालाइज करता है एक बार कि हमने इसमें कोई कॉपीराइट म्यूज़िक तो नहीं यूज़ किया है, कोई कॉपीराइट इमेज वगैरह तो नहीं यूज़ किए, या जो ये कंटेंट है ये हमारा या किसी और का। साथ ही साथ YouTube हमारा ये भी चेक करता है कि हमने हमारे वीडियो में कौन कौन से कीवर्ड को यूज़ किए हैं। तो जितना ज़्यादा आप लोग कीवर्ड यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा। अब जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन YouTube 2021, तो YouTube का AI सिस्टम जब मेरी वीडियो को चेक करेगा तो वो मेरे इस कीवर्ड को भी कैच कर लेगा, और जब भी कोई YouTube पर सर्च करेगा हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन YouTube 2021 तो YouTube उसे मेरी भी वीडियो सर्च लिस्ट में दिखाएगा, अगर मैंने टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग्स प्रॉपर ऐड किए हैं तो। अब यहाँ पर मैंने जो एंड स्क्रीन ऐड कर दिए, आई कार्ड ऐड कर दिया है, उसके बाद आप लोगों को ऑप्शन मिलता है विजिबिलिटी का। अब विजिबिलिटी पे चलने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर सब कुछ पे मेरी राइट टिक आ रही है, जैसे कि डिटेल्स मैंने ऐड कर दी है, मोनेटाइजेशन इनेबल कर लिया है, एड सूटेबिलिटी इनेबल कर लिए, एंड स्क्रीन लगा दिए, उसके बाद अब हमारा स्टेप आता है विजिबिलिटी का। तो जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, जो भी मैंने प्रोसेस बताई है आप लोग सेम मोबाइल से भी फॉलो कर सकते हो, और PC से मेरा करके बताने का एक और रीज़न ये भी था कि मेरे पास VidIQ एक्सटेंशन है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो VidIQ ने मेरा जो टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग है उसे 50 में से 46 नंबर दिए है, यानी कि आप लोग सोच सकते हो वीडियो अपलोड भी नहीं आया उसकी जो टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग यानी कि जो SEO है वो कितने प्रॉपर तरीके से हुआ है। तो आप लोगों को मैं बहुत जल्द SEO के ऊपर एक वीडियो लेकर आऊँगा अगर आप लोग इस वीडियो के 100 लाइक्स कंप्लीट कर देते हो तो। अब यहाँ तक हम लोगों ने अपने YouTube वीडियो को प्रॉपर एनालाइज भी कर लिया है, उसे प्रॉपर तरीके से डिटेल्स भी ऐड कर दिए और उसे अपलोड भी कर दिया है, बस अभी हमें विजिबिलिटी में आना है और इसे अनलिस्टेड रखना है कम से कम 10 मिनट के लिए, और अनलिस्टेड रखने के बाद 10 मिनट के बाद आप लोग जो अपने वीडियो को पब्लिक कर सकते हो, या आपको अगले दिन अपलोड करना है तो अगले दिन भी आप लोग पब्लिक कर सकते हो अपने वीडियो को। तो यहाँ पर अभी मैं फ़िलहाल के लिए अनलिस्ट रखता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करके पब्लिश कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस बता दी, और ये सेम प्रोसेस हर बार मैं अपने YouTube वीडियो के लिए फॉलो करता हूँ, पर मैं मोबाइल का यूज़ करता हूँ, PC का यूज़ बहुत कम करता हूँ वीडियो अपलोड करने के लिए। मैं YouTube स्टूडियो से ही वीडियो अपलोड करता हूँ अपने मोबाइल से गूगल क्रोम का यूज़ करके। अभी मैंने जो है पब्लिश पे क्लिक कर दिया और मेरा वीडियो जो है अनलिस्टेड में सेव हो चुका है। अब जब भी मैं इसे पब्लिक करूँगा तो ये मेरा वीडियो प्रॉपरली YouTube पर अपलोड हुआ है, तो जैसे मैं पब्लिक करूँगा जो भी मेरे सब्सक्राइबर होंगे उन लोग तक नोटिफिकेशन भी जाएगी, और अगर मैंने इसमें अच्छे कीवर्ड यूज़ किए हैं तो जब कोई YouTube पर सर्च करेगा तब सर्च रिजल्ट में भी मेरा वीडियो ज़रूर आएगा, क्योंकि मैंने इसे प्रॉपर एनालाइज करके इसकी एंड स्क्रीन हो, आई कार्ड हो, सब कुछ प्रॉपर तरीके से लगाया है। तो ये जो तरीका होता है वीडियो अपलोड करने का, आप लोगों को ये पता था या नहीं आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर अगर आप नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से प्रेस कर लेना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।